छोटे से गांव से निकलकर शीर्ष पर पहुंचने वाले अजीत प्रमोद जोगी जीवन के किसी संघर्षों से नहीं घबराने वाले अजीत प्रमोद जोगी हर अवरोधों को पार करने वाले अजीत जोगी लोगों के दिलों में राज करने वाले अजीत जोगी। अजीत प्रमोद जोगी का वो इंटरव्यू जिसे वो बताते थे अपने जीवन का सबसे अच्छा इंटरव्यू। आप बहुत बढ़िया मोर इंटरव्यू लिया, जेना मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यू। देसी टाक, अपन बात, अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद आपका। बात की शुरुआत करथन, आपके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई से? मैं अपन गाँव के सालामा पढ़े रहे हूँ। छोटा कन रही, दो कमरा के। तो कभी कभी ज़्यादा हो जान तो पासेज में पीपर के झाड़ रही, ओखर नीचे भी पढ़े हाँ। कोनो ऐसन शिक्षक जिन आपला याद हो वो समय स्कूल के समय में जिन आपला प्रेरणा दे हो कि आगे बढ़े पर जिन शिक्षा दे हो? वैसे तो प्राइमरी स्कूल में तो प्राथमिक स्कूल में सब टीचर अच्छा लगत रही और सब ऐसे डर उड़ लगत रही, नटखटी बहुत करते हूँ। कोनो ला छेड़ना, कोनो ला कुछ करना, ऐसे करना तो मोला तरह तरह की सजा मिले। एक ठे सजा जिन सबसे खराब लगी मोला प्राइमरी स्कूल में, एक दिन गुरुजी बोली से मानबे नहीं करे लड़का, पढ़ लेते पहले तो याद हो जाते एकला, फिर बाकी मन ला डिस्टर्ब करत रही थी। तो कैसे करो कैसे करो, तो हमारे लइका मन के अलग लाइन रहीस और टोरी मन के अलग लेन रहीस। तो मोला दो टोरी के बीच में बैठा दीस। और पहली कक्षा के बच्चा दो टोरी के बीच में बैठ गया तो मोला ऐसे लगा कि भगवान कैसे यहाँ पहुँचा दे इस मोला, न एती कर सकूँ न ओती कर सकूँ। और दोनों टोरी मोर से उम्र में बड़े नहीं। अच्छा। तो हंसा खिलखिल खिलखिल कराए और मोला कुछ बोलत नहीं बनाए। कि जैसे मोला जहाँ तक ध्यान है कि एक बार गांव में एक कलेक्टर साहब आइन और जो उनका रुतबा रही से बोला देख के बड़ा प्रभावित हो, वहीं से यू टर्न ली जिंदगी है। सब तैयार होके धोती कुर्ता तान के एकदम स्टेशन जावत नहीं तो मुहूर्त लगी से यार कैसे कौन आदमी आते देखे बार चलो। तो गैन तब बढ़िया रेबन के चश्मा पहने रहीस। अच्छा। और गोरा चिट्टा रहीस, ओखर पारसी रहीस, हीरजी नाम ओखर रहीस। अच्छा। बोमी हीरजी बड़ सुघर दिखा, बहुत सुंदर, जैसे फर्स्ट क्लास के डिब्बा में उतरीस। वो समय ऐसी नहीं होती, फर्स्ट क्लास के डिब्बा से उतरीस तो सब हमार बड़े बड़े सियान जिनका गोड़ हमन छुआन वो सब ओखर गोड़ छुआ। अच्छा। तो मोला लगे यार ये कैसे आदमी है, नौजवान आदमी और सब सियान मन खैर गोड़ छुआ थे। तो का है तो मैं पूछूं कौन कौन सी का चीज है। अरे तेने जाना जिला के माई बाप है, कलेक्टर है। तो मैं कहूँ मन मन के हूँ यार ये तो बढ़िया हो गए, नौजवान आदमी और सब बुजुर्ग सियान उनका गोड़ छुआते हैं। तो मोहूला इसने चुबनना है ऐसे मोला लगी। तो मैं फिर पूछे पर चालू करें कि भाई कैसे बनते हैं कलेक्टर। एक बहुत बढ़िया गुरुजी तब हाई स्कूल में मिली। अच्छा। ओखर नाम रही श्री काठपतवाल। अच्छा। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। मोला लगते कि मोला सही दिशा में ले जाए कि वही प्रयास करीस, वही मोला आईएएस शब्द बताईस और मोला थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करे कि थोड़ा अंग्रेजी पढ़। हमार अंग्रेजी बहुत कमजोर रहीस, काबर हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़े रहे, आईएएस में हिंदी मीडियम नहीं रहीस, अंग्रेजी मीडियम में होत रहीस। तो बोलीस बेटा तुला आईएएस बनना है तो
अंग्रेजी ल सुधार तो मोला ओखर घर में अंग्रेजी के पेपर आए तो मैं पुराना पेपर ला मोला दे दे पढ़े बर वो समय में बड़ मुश्किल लगत रही मैं डिक्शनरी लिख के रख के पढ़ो भार्गव के डिक्शनरी अंग्रेजी हिंदी होते हैं तो जन समझ में ना आए तो हाँ तो एक पेज पढ़े में समझ ले एक घंटा लगा पर मोर अंग्रेजी सुधारे के काम भी वहीं से चालू। इंजीनियरिंग के तरफ आपके झुकाव कैसे हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके प्रवेश कैसे हुई? हम गणित में पढ़े रहे गणित अच्छा रही तो सब लोग मालूम रही गणित पढ़ते बोला इंजीनियरिंग जाना है और हमारे गांव से दो कॉलेज नजीक में नहीं एक रायपुर के एक जबलपुर के उस समय बिलासपुर कॉलेज नहीं रही इंजीनियरिंग के तो मैं दोनों जगह के आवेदन करे रहे पर मथुर प्रसाद दुबे जी हमारे यहाँ से कोटा के विधायक मंत्री रही अच्छा हमारे क्षेत्र पढ़े तो हमारे स्कूल में बांटे बर आइस इनाम दे बर आइस तो मोला कई ठे इनाम मिलीस अरे हाँ आज हम तोला बहुत पुरस्कार दे हन हिंदी में बोलीस और का करे के राधा तो मैं कहूँ मैं रायपुर और जबलपुर इंजीनियरिंग पढ़ा था पढ़े बर कोशिश करा था अरे तो नंबर तो आते के कहूँ हो जाए पर छोड़ न जबलपुर जाना है न रायपुर जाना है हम नवा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं भारत शासन के भोपाल में मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नवा बना थे और उन्हें पढ़ ये कॉलेज में कोई कुछ नहीं रखे और बाबू जी लोग बोले चिंता मत कर भोपाल दुनिया पढ़ते तो कोई चिंता की बात नहीं है मैं वहीं रहता हूँ जब लड़का लोग को तकलीफ हो ही था मोर से मिल सकते अगर मैं भोपाल नहीं गए होते ना तो वहाँ जाग जन IAS IPS के रुतबा देखा निकले तो ये सिल्यूट मारा है वो सिल्यूट मारा है वो गोड़ छुआ है ये गोड़ छुआ है और नरोना जी की तो व्यक्ति तो बिल्कुल जिला का सत्थन ICS अधिकारी रही और ओखर यहाँ मुख्यमंत्री मिले जाए अच्छा। वो जमाना वो मुख्यमंत्री से मिले नहीं जाते रही ओखर इतना रुतबा रही तो तब बोले लगी सी यार वही जन मोला काटपताल जी का रहीस और हीर जी लजन देख रहे हो ये बड़े मन के ऐसे बनते और सब IAS लग देखा तब मोला फिर लगी इसकी अब कुछ भी हो जाए इंजीनियरिंग तो करा वहाँ तो ठीक ठाक नंबर ला के यूनिवर्सिटी में पहला आ गया हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद किसे आगे की पढ़ाई करे आप? इंजीनियरिंग में जैसे मोर मन में तो आगे रही कि IPS IAS बनना है दुर्भाग्य से वो समय IAS की उम्र 21 साल कम से कम और IPS के 20 साल मैं दोनों के बीच में रहूँ तो पहली परीक्षा में मैं IAS में नहीं बैठ सके मुला IPS में बैठना पड़ी वो आसान भी पड़ी बहुत अच्छा हो गया उस समय इंजीनियरिंग मेडिकल के किताब बहुत महंगा बहुत महंगा और गरीब आदमी लेना मुश्किल रही तो बेचारा वो अग्रवाल जी मुला बहुत मेहनत करी तो ओकरे पास गए मैं बोले अग्रवाल जी मैं रिजल्ट आया थे मैं पहला नंबर तो आ हूँ मोर सब बढ़िया पेपर गए है पर मोर इच्छा नौकरी करे के नहीं है इंजीनियरिंग के मोर इच्छा IAS बने के अरे हमार मध्य प्रदेश से तो कौन बनवे नहीं करे आज तक कोई IAS की किताबें चले बर नहीं आए अब तो ना कैसे ये शौक चढ़ गए मैं उन मूलत शौक चढ़ गए इच में बनना है देव भाई मोला कोनो किताब दो तो मैं इतिहास और राजनीति दो विषय ले और तीन तो अनिवार्य रही और तीनों के फिर मैं बोला कि हूँ भाई पांच विषय है पांच किताब दे मोला तो मैं डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन रही एक श्रीवास्तव जी वो मोला चिन्हत रही काबर स्कूल में आत रही कॉलेज में आत रही और मोर से प्रभावित रही काबर मैं पढ़े में अच्छे रहे हूँ खेले में भी अच्छे रहे हूँ तो मैं ओखर कमरे में गया हूँ कि अब मोला का करना है मोला तो IAS बनना है और ये बीच में कैसे करूँ अक्टूबर का अक्टूबर का तब बोले से यार तैं तो फर्स्ट नंबर आ था तोला कहीं भी लेक्चरर लगा दे कहाँ जाबे मैं कहूँ रायपुर अच्छा नजीक पढ़ी रायपुर कर दूँ
तैसे मैं ये इंजीनियरिंग कर रायपुर वहाँ आके वो क्रेच बाद एकदम अप्रैल मोला अप्रैल एंड वहाँ मोला लगते है रिजल्ट आई सोचने मोला बिना इंटरव्यू बिना कोनो चीज के काबर सबसे ज्यादा नंबर रहीस तो वहाँ कोनो प्रश्न कर नहीं सकते हैं तो मोला फिर यहाँ के मैकेनिकल विभाग में लेक्चर बना के भेज दे और कॉलेज में ज़्यादा नहीं पढ़ाना पड़ती एक पीरियड टू पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा और बाकी समय फ्री रहन तो फिर आईएएस ला तैयारी करन ऐसे करके मोर आईपीएस की तैयारी चलत रही बढ़िया हो गए और परीक्षा हो गई अक्टूबर में और बढ़िया नंबर्स पास हो गए हूँ आईपीएस बन गया हूँ तो यहाँ नौकरी छोड़ के आईपीएस बन गया। कलेक्टर कब बने आप? पर जब मैं मसूरी गया ना ट्रेनिंग बार वहाँ मोर मन बदलीस। अच्छा कैसे बदलीस कि वहाँ आईएएस भी रहे आईपीएस भी रहे और आईएएस वाले हमन ला एकदम निचला दृष्टि से देखा आईपीएस वाले ला तो मन पांचे विषय पढ़ के आए हो मन आठ विषय पढ़ के आए हमन कलेक्टर बनबो तो एसपी बनबे हम तो और कैरेक्टर रोल लिखबो तो वन हम ला हे भावना से देखा तो मोले लगी से यार तुम आईएएस बन सकता तो मैं भी बन सकता हूँ एम का है तीनों विषय तो पढ़ना है पढ़ ले हम तो फिर आईपीएस में रहते रहते मैं आवेदन कर दूँ टाइम ही नहीं मिला प्लीज तैयारी करेंगे सब कहें कि एक बार आईपीएस के ट्रेनिंग पूरा हो जाए तब बैठबे मैं कहूँ नहीं मैं वेस्ट नहीं करूँ मैं यहीं से बैठूँ तो मैं जिन लंच ब्रेक मिला ना थक तो जाते रहूँ पर वही में पढ़ाई करते रहूँ। अच्छा हाँ और वही में मोर आईएएस की तैयारी हो गए और फिर आईएएस में बैठे वो साल रही जब सिलेक्शन 67 के परीक्षा में 68 आईपीएस बने हूँ और 69 के परीक्षा में हिंदुस्तान में आठवां नंबर आ गया। वाह वाह बहुत बढ़िया 5 लाख आदमी में आठ बोला आप बता रहे हो कि पहली जब तनख्वाह आपला मिली तो पहली लक्ष्य से अच्छा कपड़ा लेना है आपला ओखर बारे में बताओ आपला। मैं उस समय कार कर रहा हूँ कमीज मोर हमेशा सफ़ेद रहे ओखर कारण ये रही कि चाहे दो ठे रहे चाहे तीन ठे रहे कोनो नहीं जानी कि एक पास दो ठे कमीज है तो जब तनख्वाह मिली तो मोर शौक रही कि यार कपड़ा का शौक तो बहुत रही काबर नहीं पहने लो मिले रही तो मैं कहूँ पे तनख्वाह ला कपड़े में लगा हूँ। एक किस्सा थे कि जब जहाज लेके राजीव गांधी जी यहाँ आए उस समय रायपुर कलेक्टर आप रहे हो ओखर बारे में आप बताओ। ओहू मोर जिंदगी के जिन एक बहुत बड़े मोड़ आईस कि आईएएस से मैं राजनीति में आए ओमा सबसे बड़े योगदान मोर रायपुर कलेक्टर के कार्यकाल रही काबर मैं यहाँ कलेक्टर रहा हूँ तो राजीव जिला एवरो चलाए बहुत बड़ छोड़ जहाज ली तो एवरो में चला के आए तो बोला ये रूट के ज़्यादा इच्छा रहत रही यही में ज़्यादा चलाए दिल्ली से इंदौर ग्वालियर इंदौर नहीं ग्वालियर नहीं दिल्ली इंदौर भोपाल रायपुर। अच्छा ऐसे हॉपिंग फ्लाइट रही और यहाँ रायपुर आके रुका दो चार घंटा रुका सुबह आ जाए और फिर संझक जाए यही रास्ता में। अच्छा तो दो तीन घंटा वाला रुकना पड़ा और यह वो अपन डब्बा बलात रही सोनिया जी बना के देते रही सैंडविच काफी ये लाभ किया है तो पुरुषोत्तम कौशिक जी के धन्यवाद अभी नहीं है वो समय यही विभाग के मंत्री रही कौशिक जी बहुत अच्छा रही तो बोला हाँ इशारा कर दें आज राजीव चला थे ऐसे बोला जी तो नहीं कहते रही ऐसे बोला कलेक्टर साहब राजीव चला थे थोड़ा देखभाल कर ले भाई और कभी कभी जब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाए कौशिक जी के तो मैं महू चले जाते रहे कमरा। अच्छा हाँ तो मुलाकात हो जाए हाथ मिलान और मुलाकात मालूम नहीं इसकी कभी प्रधानमंत्री बनी वो संजय गांधी का जमाना नहीं तो तब बोले ओखर पर्सनैलिटी बहुत बहुत सुंदर दिखा वैसे सुंदर आदमी मैं कथम दुनिया में शायद कौन हुई इतना स्मार्ट दिखा पायलट के ड्रेस में गोरा चिट्टा गुलाबी एकदम सुर्ख एकदम और बढ़िया बाल और ओखर ड्रेस में इतना सुंदर लगा कि
मोला ओखर सुंदरता प्रभावित करे, मोला मोर विद्वता प्रभावित करे। और ये 3 साल के कार्यकाल में कई बार मुलाकात हुई। और मोला नहीं मालूम रही कि रहीस कि ओला कहूँ सुरता रही। अब नियति के खेल चल गए, संजय गांधी मर गए, इंदिरा जी मर गए, वो प्रधानमंत्री बन गए और वो फिर नवा नवा आदमी मान ला दूसर क्षेत्र से। हाँ। जैसे अरुण सिंह ला, अरुण नेहरू ला प्राइवेट कंपनी से लाई, तो वैसे एक आदिवासी ने तक तलाश कर। दिग्विजय हमन एक संग पढ़े रहे। हाँ। तो मोर मंत्री जरूर मान गए रही, इस पर मोर ओखर से मैं कलेक्टर रहे हूँ, तो आपसी मित्रता के संबंध तो पहले पढ़े रहन साथ तक। हाँ। बने रही तो वो जानत रही, मैं बोला कभी बातचीत में बता रहे हूँ कि राजीव गांधी आत रही तो मुलाकात होत रही। वो खर दिमाग तेज है बहुत। वो अर्जुन सिंह लोग बोले एक है नाम हमारे पास, ये नाम लेवे तो वो नाम कट जाही। और राजीव गांधी कूद के अला लपक ली, तो फिर मोर नाम लीस अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह। तब पूछिस वही है रायपुर में रही इसका? हाँ साहब वही छे, आजकल इंदौर में है। अरे अरे बहुत बढ़िया आदमी, इसी को लाएंगे यार। बोले अच्छा लगाओ फोन, कैसे कलेक्टर हो प्रधानमंत्री तो बात करना चाहते, दिन भर तो मिलवे नहीं करे। हाँ। तो मैं बोलो भाई मैं गांव के दौरा में रहा हूँ, वायरलेस में जरूर खबर आती, उस समय मोबाइल के जमाना नहीं है। हाँ। वहाँ से फोन नहीं लगा तो मैं नहीं बात कर पाया। अब लौटे हूँ तो बात करा था, करा दो बात। तो कहाँ बात करा वो बोले अभी अभी उठ के गए है राजीव गांधी जी अपन फार्म हाउस, तोर बार एक आदेश है। क्या आदेश है? आप लो अभी इस्तीफा देना। मैं बोले क्या भर दो? हाँ अभी इस्तीफा देना है। और 12 बजे दिग्विजय सिंह प्लेन लेके आते है, वहाँ बैठ के दिल्ली भोपाल जाना है, इस्तीफा तुम्हारे भोपाल से फॉरवर्ड हो ही। दिग्विजय बोला प्लेन से दिल्ली लाही, रातें में मंजूर हो ही। और दूसरे दिन सुबह तो नॉमिनेशन फाइल करे पहली, तोला इस्तीफा मंजूरी के मिल जाए और तोला राज्यसभा बनना। मैं क्यों कैसे गोट करना था, मैं बोला सोचे कि मौका दे भाई, इतना बढ़िया नौकरी कलेक्टर करा था हूँ, अब बोला रिजाइन करे वाला वहाँ कोई भविष्य की भरोसा नहीं है, कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। तो बहुत लंबा कहानी है, वो 2.5 घंटा में मैं काखर से बात कर रहा हूँ, फोन आना चालू हो गया फाइल के बाद। सब कोनो बधाई देवत है, कोनो कहे मत जाओ, कोनो कहे जाओ, IAS वाले कहे मत जाए यार, कहाँ राजनीति में फंस गए तो करियर बहुत बढ़िया चला थे, ऐसे ऐसे। तो मैं अपन सवारी लोग ले चल गाड़ी में बैठ, यहाँ तो बात करे का मौका नहीं मिला, दोनों जन तो बात कर ले, वो 12 बजे तक फैसला करना है, 2.5 घंटा बचे रही। तो गाड़ी में बैठ गए, सामने भट रही गुजराती ब्राह्मीण वह मोर पिए रही स्टेनो जिला करते, वो कूद के सामने बैठ गया, हम दोनों जन पीछे और गाड़ी लेके ऐसे चलन बात करते रहे। मैं बोले देख ऐसे ऐसे बात है, क्या करना है? सुवारी ले पूछे ओहू सकारात्मक बोल दे कि देख भाई मैं तो कॉलेज पेंडिकल कॉलेज में पढ़ा था, मोर तनख्वाह उनका ठीक ठाक है, अमित ल पालक जवाबदारी मोर है, ते चिंता मत कर कि घर द्वार कैसे चले, मैं प्रोफेसर हूँ मैं चला ले हूँ, तोला जाए की इच्छा है तो हाँ कर दे, मैं रिकावट नहीं दू। भट्ट बोलिस साहब ये फैसला साईं बाबा करी। मैं बोले कैसे? वो साईं बाबा भक्त रही, कुछ पढ़ी सुढ़ीस साईं बाबा के जाप करीस और एक लॉकेट रखे रही साईं बाबा, बोलिस कि साहब ये फैसला साईं बाबा करी, ऐसे करके उछाल दीस। अब बोलिस बताओ साईं बाबा फोटो है कि साईं बाबा के जाप जन लिखे रहीस वो है? मैं बोले फोटो है, तो ऐसे निकालिस तब फोटो रहीस। बोले अब फैसला हो गए साई बाबा के आदेश हो गए, अब जान करना। तब मैं जहाँ चला एयरपोर्ट चला, दिग्विजय सिंह के बैठ के एक कागज में इस्तीफा लिखा सादा कागज में, और दिग्विजय सिंह के संग बैठ के प्लेन में भोपाल आए, भोपाल एयरपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी सब जना आ रही। बिहाव जब आपकी हुई, जब बिहाव फिक्स हुई तो आप उस समय शेड्यूल कलेक्टर रहे हो, सीधी कलेक्टर रहे हो आप वो समय, आप सीधी कलेक्टर रहे और मैडम जिन है पेंटर रोड में फिर आप दिखाएगी, इस वो बात ला बताओ कैसे बिहाव फिक्स हुई। ओह बड़ मजेदार किस्सा हवा है। तो खर फूफी और मोर दाई के
मित्रता होगी, घर ज्यादा दूरियां नहीं है, आसे पास है, मतलब पड़ोसी समझ लो, दोनों डोकरी के दोस्ती हो गए। और मैं तब तक कलेक्टर बन के रहा, और झूठ नहीं बोला, मोर शादी करेगी कोई दूसर जगह इंतजाम कर ले रहा हूँ प्रेम विवाह के IAS में। तो मोर माता जी ले थोड़ा पसंद नहीं रही कि इतना, वो एकदम जब दिखाएं बताएं तो एकदम दुखी हो गए, अंग्रेजी में गुठिया है और हाई फाई रही, तो बोले से तो हमारे घर हुआ गाँव में एडजस्ट नहीं हो पाई। तो वो खर मन रही कि कोई ज़्यादा शांत स्वभाव के होना चाहिए। तो दोनों जन फिर डोकरी डोकरी गुठिया के तय कर लिए कि ये हमार बेटी और तुम्हार बेटा बिहार ना चाहो। तो मोला सीधी टेलीग्राम कर दिन और लिख दिन कि माता जी बहुत गंभीर है, तत्काल आओ। तो मैं दौड़त भागत पहुँचे हूँ, तो मोर माता जी तो एकदम ठीक बैठे रही। तो मैं कहूँ आप तो एकदम ठीक हो, कावर बुला ले, अरे बेटा बहुत सुंदर लड़की आए, डॉक्टर है अमेरिका के, ओखर बड़ प्रसिद्धि हो गए है 8-9 महीना में 200-300 गांव के मरीज मनाते हैं और कोई लोग वापस नहीं करे, ऑपरेशन भी कर देते, गोली भी देते, बहुत सुंदर लड़की है और हमन दोनों जनता करे हैं देख ले। हाँ दोनों जनता करे हैं देख ले। तब अब ओ प्रेम लमा फिर मैं भूल गया माँ के आदेश रहीस, तो मैं बोला देख लेता हूँ, मन आधा रहीस देख लेता हूँ। तो फिर कर घर गए ना समझा, दुर्भाग्य से लाइट ऑफ हो गई। तब बोला थोड़ा जम गए। आप प्रवक्ता भी बने हो, अभी वर्तमान में जिन प्रवक्ता आप दिखता हो, आप भी प्रवक्ता की बड़े जिम्मेदारी में रहे हो, उस समय आप लोग बड़ा अवसर मिली जब आप राजनीति में आ गए, तो ओखर बारे में बताओ कि प्रवक्ता में का गुण होना चाहिए। मोला ये मालूम है कितना बताना है और कितना नहीं बताना, नहीं बताना ये बहुत जरूरी है प्रवक्ता बात, ठीक है, का चीज बताना है और का चीज नहीं, पर जानकारी प्रवक्ता ला पूरा होना चाहिए। एक कारण से मैं प्रवक्ता ला ये हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारे एकदम हेड से जोन भी अध्यक्ष है पार्टी के, ओकर से डायरेक्ट संबंध रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से भी, सुषमा स्वराज जी से भी वही समय मित्रता हो गई, काफी दूर नहीं, दूर जन तो जाए डिबेट में, ठीक है, तो एक ही गाड़ी में जान, हाँ वही मैं जानना चाहता हूँ, एक ही गाड़ी में अपन जाओगे और एक ही गाड़ी में वापस आ। तो मोला पहले ले फिर मोला ड्रॉप करो, और फिर तो मोदी जी की तो एक कमरा में रहती है बीजेपी ऑफिस के पीछे, क्वार्टर नहीं है, लॉटरी से MP नहीं रहीस, वो मोर पास तो अच्छा घर रहीस। तो जब लौटत रहे तो मैं बोला कहूँ यार तो नहीं, हम चाय वो नहीं मिला, ये बैठ जा चाय, पोहा के शौकीन रहीस, पोहा बनवा देते रहे ना कभी कुछ और भजिया वजिया। इस छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने के सौभाग्य आप मिलीस, ओखर बारे में बताओ, वो कैसे बने हो आप? शुरू में ऐसे तो नहीं रही इसके नाम नहीं रही सो माँ, लेकिन फिर आप आए हो फिर बने हो और 3 साल बड़ा गजब बारे। मोर प्रवक्ता के जन काम है वो बहुत काम आई, जब छत्तीसगढ़ राज्य की विधेयक पास हो गए तो जितना पत्रकार टेलीविजन लॉबी रही मोरिच पर लॉबी करें पूरा सब नेता के पास जाए और उमन के पहुँच रही, तो मोला कोई ज़्यादा दिल्ली में लॉबी करे की जरूरत नहीं पड़ी, माहौल बन गए कि जोगी से अच्छा कोई नहीं हो सके। हालांकि मोर ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता रही, विद्याचरण जी रही, श्यामाचरण जी रही, मोतीलाल वोरा जी रही, आदिवासी में अरविंद नेताम जी, और बहुत मतलब कोनो कमी नहीं रही, कांग्रेस में तो बड़े बड़े नेता रही, और कोनो सोचबे नहीं कर रही कि मोर नंबर लग सके, मोहूला ज़्यादा उम्मीद नहीं रही, पर इच्छा रही ऐसे तो मैं मना नहीं कर सका। तो ये अब ये चीज तो एकदम सीक्रेट है पर बताता हूँ आपका, हाँ। कि मोला 1 महीने पहले, हाँ। सब लॉबी करने रहते हैं, हाँ। 1 महीना पहले सोनिया जी मोला बता दे रही, मोर से गलती हो गई तो ला बता दे, हाँ। पर ये बात तोर और मोर के अलावा, हाँ। रेनू लॉबी मोर पत्नी के नाम लेके बोलीस, हाँ। ओहू ला नहीं पता चलना चाहिए, सीक्रेट रही तब तो ठीक है। मधुबाला आप लोग बहुत पसंद है, ओखर बारे में बताओ।
तो फिल्म बहुत देखे हो मधुबाला क्या आप? पर मोर जमाना में दूजन मोर फेवरेट है, हीरो में दिलीप कुमार और हीरोइन में मधुबाला। ओकर से सुग्घर चेहरा मोला लगते आज तक भारतीय फिल्म के स्क्रीन में नहीं आए, ठीक है, जितना सुंदर वो रही। और आज भी मैं ओकर बहुत बड़े फैन हूँ, और जिन जिन पिक्चर में गाना गाए है सब मोर पास आवे। अच्छा, जब दौड़ों में रहता हूँ तो सुनता हूँ ला, अच्छा लगता है। खाएम आप का पसंद करते हो, जिन आपके फेवरेट डिश हो? हमारे तो छत्तीसगढ़ी है ठेठ, तो पसंद में तो छत्तीसगढ़ी भोजन है, जिमी कांदा है, मुनगा है, बरी है, भाजी है, रकम रकम के भाजी, 50 तरह के भाजी खाओ। हाँ, आजकल खेक्सी आते हैं, पुटू आते हैं, बोड़ा आते हैं, पीली आते हैं, यही चीज़ मुला ज़्यादा पसंद। जोगी जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुघर बात आप बताए, वैसन बात बताए मुला इसे लगते कि बहुत जन जन है नहीं जानत हुई और देसी टॉक के माध्यम से उमल्ला जाने के मौका मिली। आप लोग गाड़ा गाड़ा धन्यवाद देवत हूँ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू ले हम वो लोग खुश कर दे हाँ, कोनो ऐसे व्यक्तिगत सवाल पूछे हो बहुत कम जन ऐसे पूछे हुए, और आप लोग मैं दिल खोल के सब सब गोठ लम आप लोग बता दे हूँ। मोर ये उम्मीद है, दो तरह की उम्मीद है कि कोनो कोनो एखर से प्रेरणा ले सकते हैं, और कोनो कोनो जिन छत्तीसगढ़िया बाद में चला था छत्तीसगढ़िया के भलाई के वो तरफ आकर्षित हुई ये इंटरव्यू देख के, ये मोला पूरा उम्मीद है। आप बहुत बढ़िया मोर इंटरव्यू ले हा, जेना मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में वन ऑफ माई बेस्ट इंटरव्यूज आप ले हर बार आप ला फिर से मैं धन्यवाद धन्यवाद देवा।